हेलो, कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में आज के इस वीडियो में हम लोग इकाई 3 कंपनी लेखे पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत देखेंगे अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन और हरण। तो सबसे पहले, चूंकि आप लोग के लिए एक बिल्कुल ही नया विषय है, तो इसके कुछ शब्दों को भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले इसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है बहुतायत से, और उसको बोलते हैं अंश। अंश का मतलब होता है कंपनी की पूंजी की प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं या भाग कहते हैं। मतलब कंपनी की पूंजी यदि 10,000 है और उसको 100 भागों में तोड़ा जाए तो एक अंश का दाम होगा 100 रुपये। तो जितने भागों में तोड़ा जाता है उसको एक अंश बोलते हैं। उसके बाद ये जो अंश हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकारी अंश। समता अंशधारी वो होते हैं जिनको लाभांश का भुगतान तथा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार ना हो, और ये पूर्वाधिकारी अंशधारी को पहले पूर्वाधिकार रहता है। अर्थात जब कंपनी का समापन हो, चाहे लाभांश वितरण हो, सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को मिलता है, उसके बाद समता अंशधारियों को मिलता है। इसके बारे में आगे और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक शब्द आता है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं जिसको। कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा जिससे अधिक पूंजी कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती उसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी या ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद अब ये जानते हैं कि कंपनी का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इसकी एक सार्व मुद्रा होती है और इसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। यही चीज़ यहाँ परिभाषा में भी लिखी हुई है, प्रोफेसर रहने ने जो परिभाषा दी है। तो एक सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित की गई एक कंपनी जो है, एक सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित की गई व्यक्तियों का एक संघ होता है। एक कृत्रिम और अदृश्य व्यक्ति होता है क्योंकि ये कोई फिजिकली दिखाई नहीं देता, परंतु इसको कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वो विधान के द्वारा, कानून के द्वारा होता है। इसका एक अपना पृथक अस्तित्व होता है और इसके सदस्यों का दायित्व जो है सीमित होता है। साझेदारी में हमने देखा था कि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, कंपनी में सीमित होता है। इसकी एक सार्व मुद्रा होती है और इसकी जो पूंजी है वो छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है, उसको ही अंश बोलते हैं। ये हैनी की परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। कंपनी के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं कि ये कृत्रिम व्यक्ति होता है क्योंकि ये विधान द्वारा निर्मित होता है और सामान्य व्यक्ति की तरह ये दिखाई नहीं देता, ना ही इसका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, परंतु सामान्य व्यक्ति की तरह संपत्ति का क्रय विक्रय, अनुबंध और वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसीलिए इसको कृत्रिम व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। इसका निर्माण विधान द्वारा होता है। सीमित दायित्व तो होता है, कंपनी के जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा जितना अंश है उनके पास वहीं तक उनका दायित्व तो सीमित रहता है। पृथक अस्तित्व रहता है अंशधारियों से क्योंकि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, लेकिन पृथक अस्तित्व होने के कारण अपने नाम से अन्य पक्षों पर ये बात प्रस्तुत कर सकता है और अन्य पक्ष भी कंपनी पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं। निरंतर उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है यदि कोई सदस्य मर जाता है या दिवालिया हो जाता है तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलते रहती है। उसके बाद अंशों का हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है, इच्छा अनुसार किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बिना प्रतिबंध के ये काम कर सकता है। कंपनी की एक सार्व मुद्रा होती है जो हस्ताक्षर का काम करती है, क्योंकि ये भौतिक व्यक्ति नहीं होता, कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए हस्ताक्षर नहीं कर सकता, इसीलिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है। कंपनी के प्रकार बहुत सारे प्रकार हैं, हम लोग को दो प्रकार की कंपनी देखना है।
एक तो है निजी या प्राइवेट कंपनी जिसको बोलते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी 1 लाख या उससे अधिनियम द्वारा निर्धारित इससे अधिक राशि, जो अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगा देती है। निजी कंपनी वो है जिसके अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 होती है, और ये जो मुख्य बात है, निजी कंपनी वो होती है जो अपने अंशों और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, और जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको सार्वजनिक या पब्लिक कंपनी बोलते हैं, और इसका पेडअप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए और या उससे अधिक होना चाहिए। इसमें अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। अंशधारियों की संख्या कम से कम 7 और अधिक से अधिक जितने अंश भी निर्गमित किए गए हैं। ये जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है, और सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक सीमित होता है। तो ये दो प्रकार की कंपनी मुख्य रूप से हमको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। इसके छह अंतर आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षा में इसको पूछा जाता है। उसके बाद फिर से आते हैं हम लोग अंश के ऊपर। जब कंपनी को अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और अनेकों व्यक्ति प्रदान करते हैं जिसको कि, और सुविधा के लिए पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और ऐसे छोटे भाग को अंश कहा जाता है, और जो व्यक्ति अंश खरीदता है उसको अंशधारी बोलते हैं। जैसे एक कंपनी की कुल पूंजी 1 लाख है और 10,000 अंश में बटी हुई है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 आप लोग कर देंगे तो ये एक जो अंश का मूल्य होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये चार चार कैंसिल हो गया, तो ये 10 रुपये होगा एक अंश का मूल्य, एक अंश या एक भाग का मूल्य। अंशों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक समता अंश होते हैं और एक पूर्वाधिकारी अंश होते हैं। समता अंश के जो धारी हैं वो असली मालिक होते हैं, उनको मत देने का अधिकार होता है, इन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। पूर्वाधिकारी अंशों को लाभांश देने के बाद यदि बचता है तो इनको दिया जाता है। समापन पर भी अंत में इन्हीं को पूंजी वापिस की जाती है, और लाभ होने पर भी प्रतिवर्ष लाभांश देना अनिवार्य नहीं होता। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, और इनको मुख्य रूप से मत देने का अधिकार होता है। इसके बाद हम लोग पूर्वाधिकारी अंश देखेंगे। पूर्वाधिकारी अंश उनको कहते हैं जिनका जिन्हें आजीवन एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है। लाभांश की दर निश्चित होती है। लाभांश समता अंशों को पहले दिया जाता है। सबसे पहले इनकी पूंजी वापिस की जाती है। इनको मत देने का अधिकार नहीं होता। एक निश्चित आय इनको प्राप्त होती है। तो और ये कंपनी के मालिक नहीं होते। जो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। ये समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश में अंतर करीब 6 आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद कुछ एंट्रीज आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसमें एक बार याद कर लेंगे एंट्री तो पूरे सवाल वैसे ही बनेंगे। जब अंशों के लिए आवेदन होता है तो बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से और पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, ये पहली दो एंट्री होती है जब आवेदन मिलता है। उसके बाद जब आवंटन मिलता है तो प्राप्य होने की एंट्री पहले करते हैं, उसके बाद पूंजी खाते में अंतरित करते हैं। बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से, एक मिनट, हाँ आवंटन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। और जब मिल जाता है आवंटन तो बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से। ये दूसरी दो दो चार एंट्री हो गई।
पांचवा और छठवां सेम एंट्री होती है, केवल प्रथम याचना द्वितीय याचना के लिए। प्रथम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से और बैंक खाता विकलन प्रथम याचना खाता से। तो इसको जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा।